नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक आयताकार कमरा 12 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा तथा 4 मीटर ऊंचा है। इसमें दो दरवाजे प्रत्येक 2×1 मीटर तथा दो खिड़कियां 1.5×1 मीटर हैं। यदि दीवारों पर रंग करवाने की दर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो दीवारों पर रंग कराने का कुल व्यय कितना है। ठीक है, उसने कहा कि एक कमरा है जिसकी लंबाई दी गई है 12 मीटर, चौड़ाई है 6 मीटर और ऊंचाई है 4 मीटर। ठीक है, अब इसकी सहायता से हम निकालेंगे कमरे का क्षेत्रफल। अब उस कमरे के क्षेत्रफल में क्या उसने कहा है कि इसमें दो दरवाजे लगे हैं और दो खिड़कियां लगी हैं। तो दरवाजों की जो लंबाई चौड़ाई है वो 2×1 की है और खिड़कियों की है 1.5×1 मीटर की। तो अब पहले तो हम दरवाजे और खिड़कियों का क्षेत्रफल माइनस करके दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, दीवार का कुल क्षेत्रफल बराबर क्या रहेगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल माइनस दो दरवाजों का क्षेत्रफल और उसमें से माइनस रहेगा दो खिड़कियों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा। ठीक है, अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई + चौड़ाई × ऊंचाई माइनस, यहां 2 दरवाजे हैं तो 2×दरवाजे की लंबाई चौड़ाई कितनी है 2×1 माइनस 2 खिड़की है, खिड़की है की है 1.5×1। ठीक है, अब यहां पर हम लंबाई चौड़ाई की भी वैल्यू रख देंगे। लंबाई है 12, चौड़ाई है 6 और ऊंचाई है 4 माइनस 2×2=4 और 1.5×2 कितना होता है 3। तो यहाँ 12 और 6 कितना होगा 18, तो 2×18×4 माइनस 7, तो 4×2=8, तो 18×8 माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 18 का जब 8 में गुणा करते हैं तो कितना आता है, 8 का 8 में करते हैं तो 64, 8 + 8 8 × 6 = 14, 147, 144 में से जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा 137 वर्ग मीटर। ठीक है, यह हमारा आया दीवार का कुल क्षेत्रफल। अब उसने कहा कि दीवार पर जो रंग करवाने की दर है वह है 15 रुपये वर्ग मीटर। तो कुल व्यय हमें बताना है कि कुल व्यय कितना होगा। तो हम लिखते हैं कुल व्यय बराबर क्षेत्रफल कितना बचा 137 और रेट कितना है 15, 15 का गुणा कर दो, 15 × 7 = 105, कैरी आई 10, 15 × 3 = 45 और 10 55, 15 × 15 = 5 = 20 रुपये। ठीक है, तो 2055 रुपये इसमें क्या होगा, कलर करवाने का व्यय आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में कुछ नहीं था, सिर्फ एक बात ध्यान देने योग्य थी कि जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है उसमें से हमें दो दरवाजों का क्षेत्रफल और दो खिड़कियों का क्षेत्रफल माइनस करना था, जबी हमारे दीवार का कुल क्षेत्रफल निकलेगा। और दीवार की कुल क्षेत्रफल में हम 15 का गुणा कर देंगे क्योंकि 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर क्या है, दर है उसकी। तो हमारा कुल व्यय निकल के आएगा, जो निकल के आ गया 2055 रुपये। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।